ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई गई है ये देखिए ये कौन है ये जो ये, आपको ये दिखाई दे रही है पिक्चर ये क्या कौन बेटे तुषार है इसका नाम क्या है तुषार है तो देखिए एक बार क्या होता है जो तुषार है ये इनके घर के अंदर क्या होता है बेटा एक मैरिज फंक्शन होता है तो ये दिल्ली में रहता है और दिल्ली से इन्हें कहाँ जाना होता है चेन्नई जाना होता है ट्रेन ट्रेन के द्वारा ट्रैवल करते हैं अब जैसे बच्चों देखो जैसे आप लोगों की हैबिट होती है ना कि जैसे ही ट्रेन में चढ़ते हैं फटाफट फटाफट क्या करते हैं बच्चों की ना आप भाग कर जल्दी से कहाँ जाते हो खिड़की वाली सीट के पास जाते हो विंडो सीट के लिए और जो घर में जो छोटे छोटे तीन चार बच्चे होते हैं वो सभी बच्चे क्या है लड़ाई करते हैं कि हमें भी विंडो सीट पे बैठना है विंडो सीट पे बैठना है तो बेटा ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि विंडो सीट पर बैठने के बाद आपको मतलब वहाँ से मतलब क्या चीज़ दिखाई देती है हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू बच्चों हमारी सिक्स क्लास की हिस्ट्री चल रही है बेटा इसकी हमारी ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो चुकी है अब हमने इसकी हिस्ट्री स्टार्ट की हुई है तो बेटा इसका जो फ़र्स्ट चैप्टर है वो हम अच्छे से रीड आउट कर चुके हैं और इसकी वे वीडियोस इसकी वीडियोस भी बना चुकी हूँ आई होप आप सभी बच्चों ने वीडियोस को देखा होगा और आपने उसे समझने की कोशिश की होगी बेटा मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इंटरेस्टिंग वे में इसे समझाने की कोशिश की है ताकि आपको जो बोरिंग सब्जेक्ट लगता है जो आपको बोरियत लगती है इसमें वो आपकी बोरियत दूर हो सके टुडे वी विल स्टार्ट आवर सेकेंड चैप्टर जो हिस्ट्री सेकेंड चैप्टर बच्चों फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है तो देखिए इसके अंदर क्या बताया गया हंटिंग मींस शिकार करना गैदरिंग उसे किसी भी चीज को गैदर मीन्स इकट्ठा करना टू ग्रोइंग फूड मतलब हंटिंग गैदरिंग से लेकर ग्रोइंग फूड ऐसा मानव जो पहले क्या है शिकार करता था जंगलों से क्या है कंदमूल को इकट्ठा करता था और वो उसके बाद उसने धीरे धीरे क्या है भोजन तैयार करना शुरू कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक कि उनकी जो जर्नी है उसके बारे में से इसमें बताया गया है स्टार्ट uh, करने से पहले बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो बेटा प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ओके नाउ okay? लेट स्टार्ट तो देखिए बच्चों इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई गई है ये देखिए ये कौन है ये जो ये, आपको ये दिखाई दे रही है पिक्चर ये क्या है वो ना बेटे तुषार है इसका नाम क्या है तुषार है तो देखिए एक बार क्या होता है जो तुषार है ये इनके घर के अंदर क्या होता है बेटा एक मैरिज फंक्शन होता है तो ये दिल्ली में रहता है और दिल्ली से इन्हें कहाँ जाना होता है चेन्नई जाना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं अब नेचुरल सी बात है बेटा इतना बड़ा रन है दिल्ली से चेन्नई जाना है तो इतने लॉन्ग रन के लिए क्या है ट्रेन सबसे बेस्ट होती है तो ये क्या है ट्रेन ट्रेन के द्वारा ट्रैवल करते हैं अब जैसे बच्चों देखो जैसे आप लोगों की हैबिट होती है ना कि जैसे ही ट्रेन में चढ़ते हैं फटाफट फटाफट क्या करते हैं बच्चों की है कि ना आप भाग कर जल्दी से कहाँ जाते हो खिड़की वाली सीट के पास जाते हो विंडो सीट के लिए और जो घर में जो छोटे छोटे तीन चार बच्चे होते हैं वो सभी बच्चे क्या है लड़ाई करते हैं कि हमें भी विंडो सीट पे बैठना है विंडो सीट पे बैठना है तो बेटा ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि विंडो सीट पर बैठने के बाद आपको मतलब वहाँ से मतलब क्या चीज़ दिखाई देती है आप किस लिए लड़ाई करते हो विडो विंड, सीट के लिए क्योंकि देखो आपने नोट किया होगा बेटा कि जब आप विंडो सीट पर के पास बैठते हो तो आपको जब बाहर देखते हो ट्रेन से बाहर तो ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके साथ साथ जल्दी जल्दी भाग रहा है आपको भी ऐसा लगता होगा जैसे सारे जो बाहर पेड़ हैं वो आपके साथ भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं और कोई है ना पिलर आया है खंबा आया है इलेक्ट्रिक पोल आया है तो आपको ऐसा लगता है वो सारी चीजें आपके साथ साथ दौड़ रही हैं रन कर रही हैं भाग रही हैं तो उसी चक्कर से क्या है जो ये तुषार है ये भी फटाफट कहाँ जाता है बच्चों ये भाग कर क्या है विंडो सीट के पास जाता है और वो क्या है फटाफट उस विंडो सीट के पास जाने के बाद क्या है वो अपनी नोज़ को मतलब जो ग्लास पेहन होता है मींस मतलब जो बेटा खिड़की का शीशा होता है उसके ऊपर अपनी नोज़ को चिपका कर बैठ जाता है मतलब उसके ऊपर बिल्कुल नोज़ को अपने टच करके जैसे बच्चे करते हैं साफ लोग करते हो कि ना जैसे फटाफट जाते हो खिड़की का जो है ना जो मम्मी पापा होते हैं वो क्या करते हैं तुरंत उसके ऊपर क्या है आ, शीशा लगा देते हैं मतलब विंडो के ऊपर क्या है ट्रांसपेरेंट शीशा लगा देते हैं उससे क्या होता है बच्चों आप अपना हैंड्स वगैरह बाहर नहीं निकाल सकते लेकिन आपको बाहर की सारी चीजें दिखाई देती रहेंगी तो क्या है आप भी जैसे अपने माउथ को बिल्कुल उस पर चिपका के बैठ जाते हो ना अपनी तो आपकी जो नोज होती है वो उसको टच करती है तो सेम इसी प्रकार से जो तुषार है ये भी फटाफट जाकर बैठ जाता है अब देखो बच्चों क्या देखता है वहां पर कि जो जो तो वहां पे जो पेड़ है ये ये छोटे छोटे जो ये हाउस फ्लाइज जो उड़ रही हैं वो सारी क्या है पीछे भागती जा रही है वो आगे चलता जा रहा है वो सब कुछ पीछे भागता जा रहा है तो जो उसके अंकल होते हैं वो उसके पास आते हैं और उसके शोल्जर पर हाथ रख के उसे पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि सबसे पहले जो हमारे इंडिया के अंदर ट्रेन यूज़ की गई थी वो सबसे पहले कब की गई थी तो तुषार कहता है नहीं मुझे नहीं पता तो वो उसके अंकल उसे बताते कि आ, बिफोर तो, वन ट्वेंटी वन फिफ्टी ईयरस एक सौ पचास साल पहले हमारे इंडिया के अंदर क्या है हमारे भारत के अंदर सबसे पहले ट्रेन को यूज़ किया गया था और जो उससे पहले जो लोग थे वो क्या है Uh, मतलब बसों का ही प्रयोग करते थे बसों के द्वारा ही क्या है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो जो तुषार होता है वो बड़ा आश्चर्यचकित होता है वंडर होता है कि व्हेन पीपल कूडन ट्रैवल जब लोग बहुत जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाते थे तो डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ्स वेर एवर एवर वर बोर्न नॉट क्वाइट तो क्या वो एक ज़... मतलब जन्म लेने के बाद क्या वो एक ही जगह पर मतलब जिस जगह उनका जन्म होता तो क्या वो वहीं पर रह जाते थे वो कहीं इधर उधर घूमने नहीं जाते थे क्योंकि क्या है बेटा उससे पहले जब ट्रेन नहीं थी तो क्या है वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोई वे ही नहीं था कोई तरीका ही नहीं था किस तरीके से जाते वो तो इस स्टोरी से ही रिलेटेड आज हम इसके अंदर बच्चों हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं आई होप आपको समझ में आएगी बेटा इसको ध्यान से समझना है आपको एक एक पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर करना है ओके okay? तो देखिए बेटा द द पीपल वर दे ऑन मूव कि जो अर्लिएस्ट uh, पीपल थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते थे अर्लिएस्ट पीपल मीन्स जो पहले के जो लोग थे वी नो अबाउट पीपल हु लिव इन दब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज टू मिलियन ईयर्स अगो हम सभी जानते हैं कि जो लोग हैं वो इस सब कॉन्टिनेंट में इस उपमहाद्वीप के अंदर आज से लगभग दो मिलियन साल पहले से वो लोग रह रहे हैं और लेकिन आज वी डिस्क्राइब दमन एज हंटर गैदरर्स लेकिन आज हम उन्हें क्या है हंटर गैदरर्स के नाम से जानते हैं ये जो नेम है वो सबसे पहले कम फ्रॉम वे इन विच दे गोट देयर फूड ये उन्हें नेम क्यों दिया गया क्योंकि क्या है वो Uh, मतलब हंटर गैदर का मीनिंग क्या होता है बेटा वो शिकार करते थे और उस जो शिकार करके जो भी मटेरियल का शिकार करते थे वो उसे गैदर करते थे यानी कि उसे इकट्ठा करते थे और जंगलों में घूम कर क्या वो अपना कंदमूल अपना भोजन इकट्ठा करते थे जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स वो क्या है बेटा जंगली जानवरों को मारते थे कॉट फिश एंड बर्ड्स वो मछलियों को पकड़ते थे और बर्ड्स को पकड़ते थे गैदर्स फ्रूट्स को फ्रूट्स को नट्स को सीड्स लीव्स स्टॉक्स एंड एग्स इन सभी को क्या करते थे वो गैदर करते थे इकट्ठा करते थे हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस जो हंटर गैदरर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे घूमते थे एंड देर आर मैनी रीजन फॉर दिस और इसके लिए बेटा क्या है बहुत सारे रीजन्स थे तो देखिए क्या क्या रीजन्स थे इसके फर्स्ट इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम अगर वो एक ही जगह बहुत लंबे समय तक रहते थे दे वुड हैव इटन अप ऑल दिएबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सिस तो क्या वो अगर एक ही जगह पर रहते तो क्या है वो एक ही जगह के सारे एनिमल्स और सारे प्लांट्स को क्या कर ला कर देते वो ख़त्म कर देते मतलब उन्हें यूज़ कर लेते इसलिए दे वुड हैव गो टू अल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड इसलिए क्या है वो एक जगह से दूसरी जगह पर भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते थे ओके फर्स्ट पॉइंट क्लियर सेकेंड बेटा एनिमल्स मूव फ्राम प्लेस टू प्लेस वो क्या है एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए घुमाने के लिए आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्ले मतलब छोटे छोटे शिकार की खोज में एंड इन द केस ऑफ़ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीवस इसके अलावा ग्रास लीवस को सर्च करने में उनकी खोज में भी क्या है वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे इसी लिए दो हंटड़ डैम है टू फॉलो देयर मूवमेंट्स इसलिए यही कारण था कि जो जिसका भी वो शिकार करते थे है टू फॉलो देयर मूवमेंट तो वो क्या है उसे अपने साथ ही जिस जगह पर वो जाते थे उस शिकारी को भी वो अपने साथ ही ले जाते थे एंड थर्ड प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स इसके अलावा हर प्रकार के जो प्लांट्स हैं ट्रीज़ है वो क्या है अलग अलग सीजन के अंदर अपने फ्रूट्स को बियर करते हैं मतलब पैदा करते थे सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन्स टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स अब इसीलिए क्या है जो लोग थे उस समय वो एक मौसम से दूसरे मौसम में मतलब क्या है अपने आप को मूव करते थे ताकि वो अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स वो अलग अलग समय पर जो फ्रूट्स बियर करते थे वो उनको टेस्ट कर सकें उन्हें ले सकें एंड दर्थ पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव आप सभी को पता है बच्चों जो पानी है वो हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है तो सभी को पानी की ज़रूरत होती है वाटर इज इन लेक्स अब जो पानी है वो क्या है झीलों में पाया जाता है स्ट्रीम्स एंड रिवर्स और नदियों और तालाबों में पाया जाता था वाइल्ड मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरीनियल विद वाटर थ्रू आउट द ईयर पेरिनियल रिवर्स होती हैं बेटा जिनके अंदर पूरे साल पानी बहता रहता है अदर्स आर सीजनल लेकिन कुछ रिवर्स तो पेरीनियल सी लेकिन कुछ रिवर्स कैसी थी सीजनल थी मतलब बारिश आती थी तभी उनमें पानी आता था पीपल लिविंग ऑन देअ बैंक वुड है टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स और जो और लोग क्या है उन नदियों के किनारे पर रहते थे जो, जिन नदियों में क्या है हम पूरे साल पानी नहीं रहता था तो वो ऐसे एरियाज में रहते थे रहते थे जहाँ पे ऐसी नदियाँ थी जो क्या थी सीजनल नदियाँ थी तो वो पानी की तलाश में क्या है जब पानी उनके पास नहीं होता था तो पानी की तलाश में क्या है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे तो इस प्रकार से बच्चों ये बताया गया कि जो पुराने समय के जो लोग थे पीपल थे वो लिए एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे ओके okay बच्चों आगे देखिए बेटा हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल अब हमें इन लोगों के बारे में कैसे जानकारी मिली तो आर्किलॉजिस्ट आर्क्योलॉजिस्ट होते बेटे तो जो पुराने लोगों के बारे में हमें नॉलेज देते पुराने चीज़ों के बारे में हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरस मेड एंड यूज तो जो आर्किलॉजिस्ट हैं उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिली हंटर गैदरस की जिन्हें वो यूज़ करते थे और जिनके द्वारा वो बनाई गई थी एंड इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन और ये भी पता लगा कि उस समय जो लोग औजार यूज करते थे वो पत्थर के बने होते थे लकड़ी के बने होते थे जानवरों की हड्डियों के बने होते थे और विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट और इन टूल्स के द्वारा क्या है वो बहुत बहुत सारे अपने कार्य करते थे देखिए क्या क्या कार्य करते थे इन टू टूल्स से जो पुराने समय के जो लोग थे तो समीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन तो कुछ औजारों को तो क्या है वो मांस को फाड़ने के लिए बोन्स को काटने के लिए यूज़ करते थे स्क्रेप बार्क और पेड़ों को काट पेड़ों की छाल को छीलने के लिए एंड हाइट्स एनिमल स्किन्स और जो एनिमल्स की स्किनस है उसे फाड़ने के लिए उसे उतारने के लिए चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स और फ्रूट्स और रूट्स, और रूट्स को चॉप करने के लिए मैं उसे फोड़ने के लिए उसे काटने के लिए सम में हैव बीन अटैच टू हैंडल्स ऑफ बोन और टू वुड और कुछ जब उनके जो औजार होते थे हथियार होते थे उनके हैंडल्स के ऊपर क्या है बोन्स को जो जानवर की हड्डियां होती थी या लकड़ी होती थी उसे उसके हैंडल के ऊपर अटैच कर दिया जाता था और उससे वो क्या करते थे टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग और उसके द्वारा क्या है वो जानवर को पकड़ के उसको उसकी खाल उतारते थे और उससे शिकार करते थे अदर टूल्स वर यूज टू चॉप फूड्स चॉप वुड कुछ टूल्स को क्या है लकड़ियों को चीरने के लिए फाड़ने के लिए यूज़ किया जाता था विच वॉज़ यूज एज फायर वुड जिसे क्या है फायर वुड के लिए यूज़ किया जाता था एंड वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हर्स एंड टूल्स और कुछ वुड से कुछ लकड़ियों से क्या है हर्स और टूल्स यानी कि झोपड़ियां और औजार भी बनाए जाते थे तो देखिए बच्चों ये दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं बेटा तो इन दोनों डायग्राम्स के अंदर देखिए ये वाला डायग्राम है इसके अंदर क्या कर रहा है ये जो ये जो रूट्स है देखिए पेड़ों की जो रूट्स है उसको उसको फाड़ने के लिए देखिए ये औजार को यूज कर रहा है और यहाँ पर क्या है बेटा ये जानवर की खाल है स्किन है उसको क्या स्टिचिंग कर रहा है उसको सील कर क्या है कपड़ा तैयार कर रहा है तो इसके लिए क्या है अलग अलग प्रकार के जो टूल्स है उसको यूज किया जा रहा है ओके okay, बच्चों आगे देखिए बेटा चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन अब देखिए बच्चों ये आपको एक मैप दिखाई दे रहा है इसके अंदर ये देखिए आपको ये मैप शो हो रहा है बेटा इस मैप के अंदर देखिए क्या बताया गया आगे देखिए इसके अंदर पहले देखिए चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन आपके देखिए कौन से एरिया को वो चूज करते थे रहने के लिए वो कौन सा एरिया चूज करते थे देखिए इस मैप के अंदर देखिए एट द प्लेसेस मार्क विद रेड ट्रायंगल्स अभी मैं दिखाती हूँ आपको ऐसे प्लेसेस जो रेड ट्रायंगल्स यानी कि जिसके ऊपर देखिए ऐसे ये रेड कलर के ट्रायंगल बने आर साइड फ्रॉम विच ऑफ हंटर गैदरर्स ऐसे एरियाज है बेटा जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर गैदरर्स के क्या मिले हैं तथ्य मिले हैं एविडेंसेस मिले हैं हंटर गैदर लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस जो हंटर गैदर अलग अलग एरियाज में रहते थे ओनली सम ऑन द मैप साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर और बहुत सारे जो एरियाज है जो जहाँ पर क्या दिखाया गया है वाटर के सोर्स के पास रहते हैं सच एस रिवर्स एंड लेक्स तो देखिए बेटा ये रेड कलर से सिंबल देखिए मैं आपको नाम बोल के दिखा रही हूँ भीम का ये दिखाई दिया आपको भीम का हंस की कुरनोल केव्स तो ये तो क्या है बेटा इसके ना तीन ही दिखाई गए हैं और बहुत सारे थे तो अलग अलग तरह के क्या है तो मेन मेन जो थे इसका ना इस मैप में मेन मेन आपको दिखाए गए हैं एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाले इजीली अवेलेबल तो टूल्स के लिए क्या है जो लोग थे वो ऐसे स्थान को चूज करते थे जहाँ पर अच्छी क्वालिटी के उन्हें स्टोन्स इजीली अवेलेबल हो जाते थे इसके अलावा बेटा देखिए एक रॉक पेंटिंग भी बनाई जाती थी उसके उससे हमें क्या पता चलता है तो देखिए रॉक पेंटिंग क्या होता है बेटा कि केव्स जो होती हैं गुफाएं होती हैं या जो बड़े बड़ी बड़ी चट्टाने होती थी उसको ऊपर पेंटिंग बनाई जाती थी जैसा भी आपको पेंटिंग दिखाई दे रही है इसमें क्या है बच्चों देखो ये आगे क्या है एक हिरण भाग रहा है और पीछे क्या है ये शिकारी उसको शिकार करने के लिए भाग रहा है तो मैनी ऑफ केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल बहुत सारी केव्स थी गुफाएं थी जिसके अंदर लोग रहते थे और उनकी दीवारों को क्या प्रके वो पेंटिंग करते थे सम ऑफ बेस्ट एग्जाम्पल्स इसके एग्जाम्पल कहाँ मिलते बेटा मध्य प्रदेश और उत्तर सदरन उत्तर प्रदेश में इसके एग्जाम्पल मिलते हैं दीज पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रोन विद ग्रेट एक्यूरेटी एंड स्किल और इन पेंटिंग के द्वारा क्या है जंगली जानवरों के बारे में पता चलता है कि जो जंगली जानवर थे वो किस टाइप के थे उनकी स्किल किस प्रकार की थी तो बच्चों ये हमारा हाफ चैप्टर लगभग हो गया है बेटा जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं आपको बेटा वीडियो को स्किप नहीं करना है वीडियो छोड़नी नहीं है आपको कंप्लीट इसको देखना है तभी बेटा आपको क्लियर हो पाएगा तभी आपको चैप्टर समझ में आ पाएगा इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे बाय